हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि 3 दिन बाद शादी था एंड उसके वजह से लंजा एंड विंग सेपरेट रह रहे थे, बट ऑफ कोर्स वो दोनों ये सेपरेशन सह नहीं पा रहे थे। तो वो लोग हर दिन मिलते थे एंड एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते थे। अब देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। आज उनका शादी था। आज सुबह जब लंजा नींद से उठा, उसे चेस्ट में थोड़ा सा पेन हो रहा था, कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहा था। बट उसे लगा कि अगर उसने इसके बारे में किसी को बताया तो ये शादी डिले हो जाएगा, वो लोग की शादी आज ही रोक देंगे, तो इसे इग्नोर करना ही अच्छा होगा। प्रीवियस नाइट विंग पूरा टाइम अपने सिबलिंग्स के साथ था। वो लोग पैकिंग कर रहे थे क्योंकि आज शादी के बाद ही वो लोग लोटस पियर के लिए निकल जाएंगे, तो वो लोग उसी की तैयारी कर रहे थे। हालांकि डॉक्टर्स ने लंजा को कहा था कि वो अभी तलवार पर फ्लाई कर सकता है, बट लंजा जानता है कि उसकी इस कंडीशन में वो विंग को लेकर एक ही तलवार में फ्लाई नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वो लोग कैरेज में ही जाएंगे। जेवजन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी था लंजा को वेटिंग के लिए रेडी करना, तो जेवजन वही करने के लिए लंजा के पास आए थे। वो लंजा के वेटिंग कपड़ों को अनरैप कर रहे थे एंड वो लंजा के वेटिंग रोब्स के एक एक पीस देख रहे थे एंड उनका रोना बढ़ते ही जा रहा था। वो कंटिन्यू रोए जा रहे थे। ये देख के लंजा ने कहा, भाई प्लीज़ रोइए मत। जेवोचुन ने रोते हुए कहा, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। जेवोचुन ने लंजा के साथ साथ उस रूम पे 2 और डिसेबल्स भी थे जो एक बार लंजा की तरफ देख रहे थे तो एक बार जेवोचुन की तरफ देख रहे थे। लंजा ने कहा, भाई हमें देर हो जाएगी। जेवोचुन ने कहा, उस दिन पहले तक तुम एक चाइल्ड थे एंड आज उस विभूषियन ने उसे तो इसके आगे वो और कुछ कह नहीं पा रहे थे क्योंकि वो रो रहे थे कंटिन्यूसली। इनफैक्ट वो डिसेबल्स भी रोने लगे। ये देख के लंजा टेंस्ड हो गया। लंजा ने डिसेबल की तरफ देखा और कहा, अंकल अंकल को बुला कर लाओ। एंड वो डिसेबल्स वहाँ से दौड़ के चले गए। देर लंजा अपने भाई के पास आया। लंजा ने कहा, भाई प्लीज़ मत रोइए। जेवजुन ने अपने टीयर्स को वाइप किया एंड हेड को शेक करते हुए कहा, मैं रो नहीं रहा। ये सुन के लंजा ने कुछ कहा नहीं, उसे अपने भाई की तरफ देखने लगा। देर लंजा ने कहा, भाई हमें देर हो जाएगी। जेवजुन ने कहा, ठीक है जाओ तुम चेंज करके आओ, दिन बाकी मैं हेल्प कर दूंगा। ये बोल के जेवजुन ने लंजा के हाथों में वेडिंग रोब्स दिया। लंजा ने नोट किया एंड देन वो स्क्रीन के पीछे चला गया रेडी होने के लिए। उसने अंडरशर्ट पहना, उसके साथ साथ वेडिंग रोब्स के फर्स्ट लेयर को पहना एंड देन वो स्क्रीन के बाहर आया। एंड जैसे जेवजुन ने उसे देखा, जेवजुन जोर जोर से रोने लगे एंड इस बार उन्होंने अपने आंसू को छुपाने की कोशिश तक नहीं किया। ये देख के लंजा ने शाय करते हुए कहा, भाई। जेवजुन ने रोते हुए कहा, तुम 4 साल के थे जब तुमने मुझे फर्स्ट टाइम भाई कह के बुलाया था एंड आज तुम्हारा शादी हो रहा है। ये बोलते हुए जेवजुन रोने लगे। लंजा जेवजुन को याद दिलाना चाहता था कि उनके रूल में साफ लिखा है कि एक्सट्रीम इमोशन शो करना मना है, पर लंजा ने ऐसा किया नहीं। वो जेवजुन के पास आया और कहा, भाई मैं अभी भी आपका वांगजी ही हूँ। तभी जेवजुन ने लंजा को हक कर लिया। जेवजुन ने कहा, मेरा आजान। एंड तभी वहाँ पर लान कुड़ेन आया। लान कुड़ेन ने कहा, सीचेन एक्सट्रीमली इमोशन दिखाना मना है। लंजा ने पहली बार अपने भाई को चौंकते हुए देखा था। अंकल ने कहा, विभूषियन एंड बाकी जियांग्स टी सेरेमनी के लिए वेट कर रहे हैं। सीचेन वांगजी का हेयर ऑर्नामेंट्स लो एंड इसे वो पहना दो। लंजा जेवजुन फाइनली अलग हुए। देन जेवजुन ने लंजा को आउटर रोब पहनने में हेल्प किया। वो आउटर रोब ब्लैक कलर का था, तो जेवजुन ने पूछा, वांगजी ये ब्लैक क्यों है? लंजा ने कहा, विंग को ब्लैक कलर अच्छा लगता है। जेवजुन ने नोट किया। जेवजुन ने देखा कि लंजा के वेडिंग रोब्स में रैबिट का डिज़ाइन है, उसके साथ साथ क्लाउड का भी। ये चीज़ अंकल ने भी देखा एंड ये देख के अंकल ने नोट किया। अंकल को अच्छा लगा। ये देख के लंजा ने स्माइल किया। जेवजुन ने कहा, चलो तुम्हारे हेयर को रेडी करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें फाइनल लेयर पहनाऊंगा। लंजा ने नोट किया। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बैठ गया। लंजा हर रोज़ हेयर ऑर्नामेंट्स पहनता है। उसका डेली ऑर्नामेंट्स सिंपली सिल्वर कलर का होता है विथ जेड, बट आज थोड़ा स्पेशल है। आज उसका हेयर ऑर्नामेंट्स गोल्ड कलर का है, उसके साथ फ्लावर का डिज़ाइन भी है।
ये देखकर लंदे समझ गया था कि इसे बनवाने के लिए अंकिल ने लिटरली दो रूल तोड़ा है। ज़ेबुजिन ने अंकिल की तरफ देखा और कहा, अंकिल वांग जी का हेयर आप कीजिए। अंकिल ने कहा, नहीं ये तुम करो, ये सेरेमनी बेसिकली पेरेंट्स करते हैं, बट तुम्हारे पेरेंट्स अभी हमारे साथ नहीं हैं, तो तुम ही ये करो। तभी ज़ेबुजिन ने कहा, अंकिल आप ही हमारा पेरेंट है। ये सुनकर लंजन ने भी नोट किया। ये सुनकर अंकिल के आंखों में बहुत सारे इमोशंस आ गए। उन्हें देख के लग रहा था जैसे कि वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अंकिल ने कहा, ठीक है। देन अंकिल ने लंजा का हेयर किया। लंजा के हेयर के बाद अंकिल ने लंजा को उसका फॉरहेड रिबन पहना दिया। लंजा ने अपने आप को मिरर में देखा, उसे नोटिस किया कि उसे कंप्लीट आउटफिट के साथ सिर्फ उसका फॉरहेड रिबन ही चमक रहा है, क्योंकि उसका कंप्लीट आउटफिट सिर्फ रेड एंड ब्लैक कलर का है एंड थोड़ा बहुत गोल्ड, पर उसका फॉरहेड रिबन ब्लू एंड वाइट कलर का है, काइंड ऑफ मिसमैच। देन उन लोगों ने लंजा को फाइनल वेयर पहना दिया। देन ज़ेबुजिन एंड अंकिल लंजा को मेन हॉल पे लेकर गए। जैसे ही वो लोग मेन हॉल के गेट पे आए, उन लोगों ने लंजा को छोड़ दिया एंड वो दोनों अंदर चले गए। अब इसका के लंजा खुद जाएगा। ज़ेबुजिन एंड अंकिल अपने अपने सीट पे जाकर बैठ गए। लंजा उस रूम के गेट पे था, उसने अपने दोनों हाथों को अपने बेली के ऊपर रखा। देन वो अपने हाथों को अपने बेली के ऊपर फहराने लगा। उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड फाइनली वो हॉल के अंदर जाने लगा। उसने पूरे हॉल को स्कैन किया। उसने देखा कि ये हॉल बहुत ही डिफरेंट दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। हर तरफ फ्लावर्स एंड रेड सिल्क का डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेटेड है ये रूम। रूम के अंदर ज़्यादा लोग तो नहीं हैं। रंजना देखा कि रूम के अंदर निये मिंगजिए, मेंग ग्याओ एंड उनके पीछे निया हुसैन है एंड साइट में जिन जिशवान एंड जियांग वाइन है। इस तरफ लान कुरेन एंड लान सिजन भी बैठे हुए हैं एंड उनका ऑपोजिट साइट में जिया नियाली बैठी हुई है। उसके साथ साथ रूम पे कुछ लान डिसिपल्स एंड सीनियर्स भी थे। लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया था एंड तभी लंजा के बेबी ने लंजा को किक किया। इससे लंजा को पेन हुआ तो उसने अपने आंखें बंद कर लिया। ये देख के किसी ने लंजा को कहा, लंजा तुम ठीक तो हो ना? एंड ऑफकोर्स ये वॉइस हमारा ग्रूम विंग का था। उसका ये वॉइस पूरे हॉल में गूंज रहा था। विंग के वॉइस सुनते ही लंजा ने अपनी आंखें ओपन किया एंड जैसे ही लंजा ने विंग को देखा, उसका हार्ट बीट ही रुक गया। उसे रियलाइज हुआ कि उसका हस्बैंड कितना ब्यूटीफुल है। विंग ने भी लंजा की तरह ही कपड़े पहना था, मिक्स ब्लैक एंड रेड कलर का, जिसके स्लीव्स लॉन्ग थे एंड उसके हेयर में भी लंजा की तरह गोल्ड कलर का हेयर पिन था, उसके साथ साथ उसका रेड रिबन। लंजा ने स्माइल किया और कहा, दिल लंजा ने अपने हाथ को अपने बेली के ऊपर फहराने लगा। लंजा को रियलाइज हो रहा था कि उसका चाइल्ड भी उनके शादी के लिए बहुत एक्साइटेड है। देन विंग लंजा को लेकर हॉल के अंदर आने लगा। उसका आई सिर्फ लंजा के ऊपर था। उसका एक हाथ लंजा के हाथों में था एंड दूसरा हाथ लंजा के वेस्ट में। विंग ने लंजा की ईयर्स के पास विस्पर करते हुए पूछा, क्या तुमने मुझे मिस किया? लंजा ने नोट करते हुए कहा, बहुत। ये सुनकर विंग ने हंसा। उसने कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। लंजा का हार्ट बीट फास्ट होने लगा। उसने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ लिया। उसने नोट किया, लंजा सोच रहा था कि आज उसका शादी होने वाला है एंड देन बहुत जल्द उनका बेबी भी आ जाएगा एंड देन पूरी लाइफ वो दोनों एक साथ रहेंगे एंड फाइनली वो लोग एंसेस्ट्रल टैबलेट के सामने पहुँच गए। वो एंसेस्ट्रल टैबलेट्स लंजा के पेरेंट्स के थे। वो लोग उनके सामने घुटनों पे बैठ गए। तभी विंग ने देखा कि लंजा के पेरेंट्स के एंसेस्ट्रल टैबलेट्स के साथ साथ दो और एक्स्ट्रा टैबलेट्स भी हैं एंड वो टैबलेट्स विंग के पेरेंट्स के हैं, वे चंगजे एंड चंगजे सनरेन। ये देखते ही विंग के आंखों में आंसू आ गए। ये चीज़ लंजा ने नोटिस किया। उसने विंग के हाथ को पकड़ा उसे कम्फर्ट करने के लिए। विंग ने स्माइल किया एंड उन दोनों के हाथों को ज्वाइंट किया। तभी अंकिल लंजा के एंड विंग के सामने आए। लंजा ने अपने फॉरहेड रिबन को खोला एंड अंकिल के हाथों में दिया। अंकिल ने विंग की तरफ देखा और कहा, अपने हाथ को आगे बढ़ाओ। विंग कन्फ्यूज्ड हो गया। उसने एक बार लंजा की तरफ देखा, एक बार रिबन की तरफ। देन अंकिल ने उस रिबन के एक साइड को विंग के हाथों में टाइट किया एंड दूसरे साइड को लंजा के हाथों में एंड इस तरीके से अंकिल ने लंजा के एंड विंग के हाथों को एक साथ बांध दिया उस रिबन से। ये देख के विंग कन्फ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, लंजा ये तो इससे पहले विंग कुछ कह पाता, लंजन उसे चुप करा दिया। अंकिल ने कहा,
ये लान वेडिंग सेरेमनी के एक पार्ट है, इसके बाद ही तुम लोग वोज ले सकते हो। ये सुनके विंग ने स्माइल किया। उसने एक बार रिवन की तरफ देखा, एक बार लंजे की तरफ, और अंकल से पूछा, क्या लंजा ये जानता था? अंकल ने कहा, ऑफ कोर्स वो जानता है। लर्न क्लैन के हर एक पर्सन को बचपन से इसके बारे में पता होता है। एनीवेज, अब तुम लोग अपना अपना वोज लो। उन लोगों ने वही किया। बहुत डिफिकल्ट के साथ लंजा ने एंड विंग ने वोज लिया, वो भी तीन बार। एक बार हेवन एंड अर्थ की तरफ, एक बार अपने पेरेंट्स की तरफ, एंड एक बार एक दूसरे की तरफ। एंड अब वो दोनों मैरिड हैं। एंड देन उन लोगों ने बाकियों को टी सर्व किया। वो लोग वेडिंग बैंक्वेट में थे। एंड तभी लंजा के बेबी ने लंजा को किक किया। एंड लंजा को पेन हुआ तो उसने अपने आंखें टाइटली बंद कर लिया। एंड ये चीज विंग ने नोटिस किया, तो विंग लंजा को लेकर उनके रूम पे आ गया एंड बेड पे बिठा दिया। ये देख के लंजा ने कहा, विंग, हम हमारे वेडिंग बैंक्वेट मिस नहीं कर सकते। विंग ने कहा, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। लंजा ने कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। विंग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हारे फेस देखा है लंजा, तुम्हें पेन हो रहा है एंड तुम्हें ठीक रहना होगा क्योंकि हमें रोटास्पिया भी लौटना है ना? ये बोलकर विंग ने लंजा के फेस को पकड़ा एंड उसके फॉरहेड पे किस किया, देन उसके लिप्स में। देन विंग ने उस पर करते हुए कहा, हस्बैंड। लंजा ने स्माइल करते हुए कहा, हस्बैंड। देन लंजा ने भी विंग के लिप्स में किस किया। लंजा सोच रहा था, लंजा का बैक पेन बढ़ गया था, इसके लिए डॉक्टर्स ने उसे हर्ब्स दिया है एंड कहा है कि लॉन्ग जर्नी से पहले उन लोगों को रेस्ट करना होगा एंड वो लोग कोई भी हेवी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते क्योंकि अभी लंजा लगभग 6.5 महीने का प्रेग्नेंट है। जब डॉक्टर्स ये बोल रहे थे तब लंजा ब्लश कर रहा था एंड लंजा को देखते हुए विंग हंस रहा था। वो हंसे ही जा रहा था, वो तब रुका जब लंजा ने उस तरफ ग्लेयर किया। तो जैसे कि डॉक्टर ने कहा था, लंजा ने पूरा दिन सिर्फ रेस्ट किया एंड सरप्राइजिंगली उसे नींद भी आ गया तो वो सो गया। विंग उसके पास ही बैठा हुआ था, वो बस लंजा के सो जाने का वेट कर रहा था ताकि वो लंजा के बाकी चीज़ों को पैक कर सके। जब लंजा सो गया उसने लंजा के टेबल से पेपर्स एंड इंक लिया एंड देन वो उसका स्लीपी ब्यूटीफुल प्रेग्नेंट हस्बैंड को ड्रॉ करने लगा। उसने ऐसे ही 3 स्केचेस कर लिया तभी दरवाजे पे नॉक हुआ। दरवाजे पे याली थी। विंग ने कहा, सीजिए। याली ने स्माइल करते हुए कहा, हम निकलने के लिए रेडी हैं। विंग ने कहा, ठीक है, मैं लंजा को उठाता हूँ। याली भी विंग के साथ रूम के अंदर आई। विंग ने जितने भी ड्राइंग्स किया था उसने सबको पैक कर लिया एंड देन वो लंजा के पास आया। उसने लंजा के चीक में टैबिंग करते हुए कहा, लंजा उठ जाओ, हमें निकलना होगा। लंजा ने स्लीपिली उठकर बैठा पर उसकी आंखों में अभी तक नींद था तो वो फिर से सो गया। ये देख के याली ने स्माइल किया, विंग ने भी स्माइल किया। विंग ने कहा, सीजिए हम अभी आते हैं। याली ने नोट किया, देन याली वहाँ से चली गई। विंग ने कहा, लंजा उठो डियर, हमें घर जाना है। ये सुनते ही लंजा ने अपनी आँखें ओपन किया। उसने कहा, घर? विंग ने कहा, हाँ हमारा घर, तुम, मैं एंड हमारा लिटिल रेडिश जो कुछ महीनों में आ जाएगा। ये बोल के विंग ने लंजा के बेयर फॉरहेड पे किस किया। अभी लंजा के फॉरहेड पे कोई रिबन नहीं था क्योंकि लॉन्ग लाइन के रूल के हिसाब से अगर लॉन्ग लाइन का कोई भी सदस्य लॉन्ग लाइन के बाहर शादी करे तो उसे रिबन पहनने की ज़रूरत नहीं है। लंजा उठकर खड़ा हुआ। उसने कहा, घर, घर चलो। एंड अब वो लोग घुसुए गेट में थे, सबको गुड बाय कह रहे थे एंड उनका फेयरवेल बहुत अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि सिर्फ जेबोचुन ही नहीं, जेबोचुन के साथ साथ अंकल कुरेन एंड कुछ डिसेबल्स भी रो रहे थे एंड जेबोचुन कंटिन्यू विंग की तरफ ग्लेयर किए जा रहे थे। अंकल ने लंजा के हेड पे अपने हाथ फहराते हुए कहा, सेफली ट्रैवल करना एंड वहाँ पहुँचते ही हमें लेटर भेजना एंड जैसे कि डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है तो बाकी रिचुअल्स के लिए तुम्हें 3 दिन बाद यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे पास आएंगे मीट करने के लिए। लंजा ने नोट किया। दिल लंजा ने अपने भाई की तरफ एंड अंकल की तरफ देखा। वो सोच रहा था कि वॉर के बाद वो लोग अभी अभी रिकवर कर रहे हैं बट स्टिल उन लोगों ने उसके शादी के लिए कितना अरेंजमेंट किया है, वो भी 1 महीने के अंदर। लंजा ने कहा, मैं, ये बोलते हुए लंजा को रोना आ रहा था। उसने अपने को कंट्रोल किया और कहा, मैं अंकल को एंड हमारे घर को बहुत मिस करूँगा। ये सुनकर अंकल ने शाई किया। अंकल ने कहा, तुम्हें भी हम बहुत मिस करेंगे वांग जी, बट ये घर तुम्हारा ही है।
ये सुनकर लंजन ने नोट किया अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए। एंड देन जियांग्स एंड लांस ने एक दूसरे को वो किया एंड उनका जर्नी शुरू हुआ। इस तरह लोटस पियर में वेन चिंग ने ऑलरेडी उनके लिए एक स्मॉल फिस्ट का अरेंजमेंट किया है। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचे एंड जैसे ही वेन चिंग ने लंजो की तरफ देखा, वो लंजो एंड विंग को लेकर उनके रूम पर आ गया। जैसे ही वो लोग विंग के रूम पर आए, लंजा ब्लश करने लगा क्योंकि उनका वेडिंग बेड बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड था। लंजा का बैक एंड लेग बहुत ही दर्द कर रहा था तो वो जाकर बेड पे बैठ गया। उसके साथ वेन चिंग एंड विंग भी था। वेन चिंग ने लंजा से कहा, हैंगवांग जून, आपको ऑलमोस्ट 7 मंथ्स होने वाला है तो आपको ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए एंड हमें मेल प्रेगनेंसी के बारे में बहुत ही कम नॉलेज है, लंजा ने नोट किया। विंग लंजा के पीछे खड़ा था, वो लंजा के हेयर ऑर्नामेंट्स को खोल रहा था। वेन चिंग ने पूछा, आपको कोई अनयूजुअल पेन हो रहा है आपके बैक एंड लेग्स के अलावा? ये सुनकर लंजा हिजेट फील कर रहा था। ये देख के वेन चिंग ने कहा, हैंगवांग जून, आपका हेल्थ हमारे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मेन प्रायोरिटी है। आपको मुझसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, मैं एक डॉक्टर हूँ। ये सुनकर लंजा बोल नहीं पा रहा था, वो बोलना चाहता था बट वो हेजिटेट फील कर रहा था। ये देख के विंग ने कहा, लंजा क्या बात है? ये बोल के विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ा। लंजा ने कहा, मेरे चेस्ट में दर्द होता है। ये सुन के पहले वेन चिंग सरप्राइज्ड हो गई। देन वेन चिंग ने कहा, ओ मैंने सोचा नहीं था कि आपके साथ भी ये होगा। ये सुनते ही विंग ने कहा, क्या मतलब? लंजा भी शॉक्ड हो गया। तो वेन चिंग ने कहा, कुछ बोलने से पहले मैं एक बार आपको एग्जामिन करना चाहूँगी। ये सुनकर विंग ने हंसते हुए कहा, मैंने सोचा नहीं था कि मैं वेडिंग नाइट पे तुम्हारे सामने मेरे हस्बैंड को अनड्रेस करूँगा। ये सुनते वेन चिंग खड़ी हो गई। उसने कहा, वी वुशियन, निकलो यहाँ से। विंग ने कहा, तुम बिल्कुल जियांग की तरह बात कर रहे हो एंड नहीं, मैं नहीं जा रहा, हम हस्बैंड्स हैं, तुम मेरे सामने उसको एग्जामिन कर सकते हो। लंजा ने कहा, विंग यहाँ पर रह सकता है। ये सुनकर वेन चिंग ने नोट किया। देन वेन चिंग रूम के बाहर चली गई ताकि लंजा एंड विंग को प्राइवेसी मिल सके एंड विंग लंजा को अनड्रेस कर सके। जब विंग लंजा के कपड़ों को फोल्ड कर रहा था, लंजा सोच रहा था कि उनका वेडिंग डे भी कैसे रुइंड हो गया, वो लोग ठीक से वेडिंग नाइट भी स्पेंड नहीं कर पाएंगे। अभी वो बस यही चाहता था कि वो अभी अपने हस्बैंड के बाहों में सो जाए एंड उसका हस्बैंड या मैं इनके स्टोरी बताए। दिन लंजा सोच रहा था कि वो लोग लव मेकिंग भी नहीं कर सकते। ये सोचते हुए लंजा पाउट कर रहा था। ये देख के विंग ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो? लंजा ने कहा, हम अपने वेडिंग नाइट भी स्पेंड नहीं कर सकते। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया, उसने लंजा के फ्रंट पे किस किया और कहा, तुम इसलिए अपसेट हो क्योंकि मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता? ये बोल के विंग हंस रहा था। लंजा ने कहा, विंग। विंग ने लंजा को बेड पे बिठा दिया, देन उसके ऊपर ब्लैंकेट कवर कर दिया, देन उसने लंजा के अंडर शर्ट को अनटाई किया। विंग ने कहा, वेन चिंग को बुलाते हैं, ठीक है? लंजा ने नोट किया। देन वेन चिंग लंजा को एग्जामिन करने लगी। देन उसके बाद जो वेन चिंग बता रही थी वो सुनकर लंजा ब्लश करने लगा क्योंकि वेन चिंग ने कहा कि प्रेग्नेंट वेमेंस को गॉड बेबी के साथ साथ बेबी के लिए फूड भी भेजते हैं। मुझे नहीं लगा था कि आपका केस भी सेम होगा। मैंने सोचा था कि आपके बेबी आ जाने के बाद मुझे किसी नर्स को कहना होगा उसे फीड कराने के लिए, बट आई थिंक ऐसा नहीं करना होगा, आप खुद ही उसे फीड करवा सकते हैं। ये सुनकर लंजा सोच रहा था कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बॉडी उसके चाइल्ड के लिए ऐसे एडजस्ट कर लेगा। वेन चिंग ने कहा, आपको थोड़ा बहुत पेन होगा बट ज़्यादा नहीं, चिंता मत कीजिए, बेबी हो जाने के बाद आपके कल्टीवेशन के साथ साथ ये भी ठीक हो जाएगा। आपको हर दिन मेडिटेट करना होगा एंड एटलीस्ट 1 घंटे के लिए चलना भी होगा, वॉक करना होगा। आपका चाइल्ड हेल्दी है सो डोंट वरी। ये बोल के वेन चिंग ने विंग की तरफ देखा और कहा, एंड कोई भी हेवी एक्टिविटी अभी नहीं चलेगा, लास्ट कुछ महीने बहुत ही क्रूशियल है। ये देख के विंग ने ड्रामेटिकली कहा, हे तुम मुझे ऐसे मत देखो। विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, हैंगवांग जून, और कुछ पूछना है? लंजा ने कहा, हम नॉर्मली जो खाते हैं बैंकेट में वही फूड था एंड उसके वजह से मुझे वॉमिटिंग आ रही थी, क्या मुझे यहाँ पर मीट मिल सकता है? ये बोलकर लंजा सोच रहा था कि कुछ दिन पहले जब वो एंड उसका भाई शाही टाउन पे गए थे वेडिंग रोब्स बनवाने के लिए, तब जब उसने मीट शॉप देखा था तब उसका बहुत मन कर रहा था कि वो एक बार मीट टेस्ट करे, बट उसने अपने को कंट्रोल किया
क्योंकि वो अपने भाई को और परेशान नहीं करना चाहता था। जब वो ये सोच रहा था, विग ने कहा, मीट लंजा, तुम तो वेजिटेरियन हो ना? लंजा ने कहा, मुझे अभी वेजिटेबल्स खाने का मन नहीं कर रहा। वेंचिंग ने कहा, समझ सकती हूँ, प्रेगनेंसी के टाइम आपको वो चीज़ें खाने का मन करता है जो आप नहीं खाते, ये क्रेविंग्स होता रहता है, ये नॉर्मल है। एंड हाँ, हमने कुछ मीट प्रिपेयर किया है, मैं लेकर आती हूँ, ये बोल के वेंचिंग चली गई। फाइनली वेडिंग रोब्स उतारने के बाद लंच को हल्का फील हो रहा था, तो वो बेड पे रिलैक्स होकर लेट गया। उस तरफ विंग अपने कपड़े बदल रहा था। लंजा विंग के रूम को ध्यान से देख रहा था। लंजा देख रहा था विंग का रूम कुछ हाई फाई नहीं है, ऑर्डिनरी है, बिल्कुल विंग की तरह, उसके पर्सनैलिटी की तरह। एंड इस रूम पे दो इंसान के रहने के लिए इनफ स्पेस है। ये रूम बहुत ही सिंपल है बट ब्यूटीफुल है, बट स्टिल एक बेबी के लिए ये रूम छोटा ही पड़ेगा। लंजा को पता नहीं कि बेबी के बाद वो लोग इस रूम पे मैनेज कैसे करेंगे। ये रूम मेन हॉल से ज़्यादा दूर नहीं है, इनफैक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड भी बहुत ही पास में ही है। एंड रूम के बाहर लोटस भी ग्रो कर रहा है। रूम का आसपास बहुत ही ब्यूटीफुल है। लंजा यही सोच रहा था तभी विंग चेंज करके स्क्रीनिंग रूम से बाहर आया। देन वहाँ पर डिसिपल्स आए खाना लेके। विंग फूड लेकर बेड पर चला गया क्योंकि लंजा फ्लोर पर बैठ नहीं सकता। विंग लंजा को सर्व कर रहा था तभी विंग ने कहा, सीजीए ने मेंशन किया है कि कल हमारा ऑफिशियल इंट्रोडक्शन होगा, बट अगर तुम बेटर फील करोगे तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं। लंजा ने शाई किया। लंजा पहली बार मीट खाने वाला था, प्रॉपर मीट खाने वाला था। इससे पहले भी वो बहुत सारे बैंक्वेट्स में मीट खाया था बट वो उतना टेस्टी नहीं था लंजा के लिए, उसने कभी भी इस चीज़ को एंजॉय नहीं किया था। तो लंजा होप कर रहा था कि इस बार वो एंजॉय करेगा। तो लंजा ने एक पीस अपने माउथ में लिया एंड जैसे उसने एक मीट अपने माउथ में लिया, उसका जैसे टांग जल ही गया क्योंकि वो मीट बहुत स्पाइसी था। बट थैंकफुली इस स्पाइसी खाना खाने की वजह से लंजा को वॉमिटिंग नहीं आ रहा था, जो उसे हर टाइम खाना खाने के बाद होता है। स्लोली स्लोली लंजा ने पूरा खाना फिनिश कर दिया। उसने ऑलमोस्ट 3 बोल्स खा लिया था बट वो अभी तक हंग्री था। उसका लिप्स एंड टांग बिल्कुल रेड हो चुके थे स्पाइस की वजह से। लंजा यही होप कर रहा था कि वो सिर्फ एक बार ही ऐसा स्पाइसी खा रहा है, अगर उसे इतना स्पाइसी खाना हर रोज़ खाना पड़ा तो पता नहीं उसे क्या होगा। लंजा को अभी भी भूख लग रही थी बट रूल में साफ लिखा है कि एक इंसान 3 बोल से ज़्यादा राइस नहीं खा सकता। लंजा ये सोच ही रहा था तभी विंग ने कहा, लंजा तुम्हें अभी भूख लगी है, थोड़ा और खाओ। ये बोल के विंग लंजा को और भी राइस देने लगा। ये देख के लंजा ने अपने हेड को शेक किया। उसने कहा, एक इंसान 3 बोल से ज़्यादा राइस नहीं। तभी विंग ने कहा, लंजा अभी तुम गुस्से में नहीं हो, तुम्हें वहाँ का रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, एंड वैसे भी अभी तुम्हें 2 इंसान का खाना खाना होगा, है ना? ये बोल के विंग ने लंजा को बहुत सारा राइस दिया और कहा, कम ऑन लंजा, इसे खा लो, मेरे बेबी एंड हस्बैंड को भूखे मत रखो, गुड बॉय बनो एंड तब तक खाओ जब तक तुम्हारा बॉडी तुम्हें रोकने के लिए ना कहे, ओके? लंजा ने कहा, बट तभी विंग ने स्माइल करते हुए कहा, एंड वैसे भी हमारे लोटस पीरियड में भी रूल है कि एक इंसान 7 बोल के कम राइस नहीं खा सकता। ये सुन के लंजा ने कहा, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये बोलकर लंजा ने पाउट किया एंड देन वो खाने लगा। अब देखते देखते 7 मंथ्स हो चुका था लंजा के प्रेगनेंसी का। लंजा अपने रूम पे था, अपने क्लोथ्स को फोल्ड कर रहा था तभी उसके पास विंग आया। विंग ने कहा, वी फूडेन? तो लंजा ने विंग की तरफ ग्लेयर किया। लंजा को याद है कि एक बार डिसिप्लिन लंजा को वी फूडेन कह के बुलाया था एंड तब से विंग लंजा को वी फूडेन कह के बुलाता है उसे टीज करने के लिए। विंग ने कहा, वाओ कितना क्रूअल हो तुम, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे लिए पॉन्ड से लोटस सीड्स लेकर आया है एंड तुम उसे ऐसे ग्रीट कर रहे हो? ये बोल के विंग ने लंजा के सामने लोटस सीड्स के बास्केट को रखा। लंजा ने क्लोथ्स को साइड में रखा एंड विंग के हाथ से वो बास्केट छीन लिया एंड बेड पे जाकर बैठ गया। विंग भी लंजा के पास आकर बैठ गया। विंग ने कहा, तो मेरे लवपो ने पूरा दिन क्या किया? ये सुनते लंजा ने एक लोटस सीड विंग की तरफ थ्रो किया। ये देख के विंग हंसने लगा। उसने कहा, कम ऑन लंजा, क्या तुम लास्ट नाइट की वजह से अपसेट हो अभी तक? लंजा ने कहा, हाँ। ये बोलते हुए लंजा विंग को इग्नोर कर रहा था एंड लोटस सीड्स खा रहा था। विंग ने कहा, माय लव, वेंचिंग ने हमें स्ट्रिक्टली मना किया है कि हम कोई भी हेवी एक्टिविटीज नहीं कर सकते। लंजा ने कहा, बट डुअल कल्टिवेशन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये बोलकर लंजा सोच रहा था
कि जिस दिन वो लोटस पियर आया था उसके नेक्स्ट डे उसने वेंचिंग के साथ विंग के गोल्डन को के बारे में डिस्कस किया था। उन दोनों ने मिलकर इसको लेकर बहुत सारे स्टडीज भी किया एंड देन लास्ट नाइट को वेंचिंग को एक रास्ता मिला। उसने कहा कि विंग का गोल्डन कोर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ है, उसके लिए अभी भी चांस है। मेन टेक्निक यही है कि उसको किसी स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर के साथ ड्यूअल कल्टिवेशन करना होगा एंड देन क्लैरिटी यूज करके म्यूजिक नोट्स के थ्रू विंग के अंदर से रिसेंफिल एनर्जी बिल्कुल रिमूव करना होगा ताकि गोल्डन कोर ग्रो कर सके। उन लोगों ने घंटों तक एग्जामिनेशन किया, देन उन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि विंग के अंदर से तब तक रिसेंफिल एनर्जी नहीं जाएगा जब तक टाइगर एम्यूलेट डिस्ट्रॉय ना हो जाए। जब उन लोगों ने इस बात को विंग को कहा, विंग ने साफ कह दिया कि वो गोल्डन कोर के मिनिमम चांस के वजह से अपने पावर को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, वो उसके ऊपर गिव अप नहीं करेगा। तो रंजन ने यही सजेस्ट किया था कि एटलीस्ट वो उसके साथ ड्यूअल कल्टिवेशन करे हर रोज़, बट इस बात को भी विंग ने डिनाई कर दिया क्योंकि लंजा भी प्रेग्नेंट है। लंजा ये सोच रहा था तभी विंग ने कहा, हाँ लंजा तुमने सही कहा, ये अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है मेरे लिए, बट हमारे पास अभी भी टाइम है लंजा, पहले हमारा लिटिल रेडिश इस दुनिया में आ जाए, जब तुम प्रेग्नेंट नहीं रहोगे तब हम ये करेंगे, ठीक है, तब तक हमें वेट करना होगा। लंजा ने कहा, विंग तुम्हें नाइटमेयर्स आते हैं। विंग ने कहा, एंड इससे गोल्डन कोर का कोई लेना देना नहीं है, प्लीज़ लंजा ट्रस्ट मी। ये बोल के विंग ने एक रियश्योर स्माइल किया। जब सोच रहा था ऑफ कोर्स उसे नाइटमेयर गोल्डन कोर की वजह से नहीं बल्कि रिसेंट एनर्जी की वजह से आता है। लंजा ने खुद देखा है कि जब विंग को नाइटमेयर आता है तब रिसेंट एनर्जी पूरे रूम पे बिल्कुल भर जाता है, वो पावर विंग के ऊपर ओवरपावर्ड करता है जो लंजा ने खुद देखा है। तो लंजा ने कहा, मैं हर रोज सोने से पहले क्लिनजिंग प्ले करूँगा। विंग ने कहा, बट लंजा, वो जैसे लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड ग्लेयर किया, विंग साइलेंट हो गया। उसने कहा, ठीक है मेरा लाउपो जो भी कहेगा मैं वही करूँगा। एंड ये सुनते ही लंजा ने विंग को बेड से फेंक दिया। अब लंजा की प्रेगनेंसी का ऑलमोस्ट 8 महीने हो चुका है। विंग सो रहा था एंड लंजा उसे बुला रहा था क्योंकि आज लोटस पे में बहुत ही बड़ा दिन है। आज सिग्लेडर जियांग जियांग चैंग एंड वेंचिंग का शादी है। लंजा विंग को बुला रहा था तो विंग ने स्लिपिंगली कहा, लंजा क्या हमें अभी भी इनिटेट करना होगा, अभी तक ठीक से सुबह भी नहीं हुआ है। लंजा ने कहा, विंग उठ जाओ, हमें वेडिंग प्रिपरेशंस करना है। ये सुनकर विंग ने अपने आंखें ओपन किया, उसने लंजा की तरफ देखा, देन वो आगे बढ़ा लंजा के बेली को किस करने के लिए, पर लंजा पीछे हट गया ताकि विंग लंजा के बेली को किस ना कर पाए। ये देख के विंग ने ग्रोन किया, उसने कहा, मेरा हस्बैंड अब मुझसे प्यार नहीं करता, कितना टाइम हो गया है मैंने अपने बेटे को एंड अपने हस्बैंड को किस नहीं किया है, ये ठीक नहीं है। ये बोल के विंग अपने हाथ पैर फेंकने लगा। उसने कहा, इस घर में कोई मुझसे प्यार नहीं करता। लंजा ने कहा, विंग आज शादी है, गेस्ट ऑलरेडी आना शुरू कर चुके हैं एंड अंकल तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। ये सुनते विंग उठकर बैठ गया। उसने कहा, तुम्हारा अंकल आ गए हैं? लंजा ने कहा, भाई भी। विंग ने कहा, ओके मैं नहा कर आता हूँ। ये बोल के विंग खड़ा हुआ, उसने लंजा को एक क्विक किस किया एंड देन वो नहाने के लिए चला गया। जियांग चैंग का शादी विंग के हर से भी बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन है क्योंकि जियांग चैंग एक सेक लीडर है एंड लंजा ने खुद इस शादी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। तो लंजा रेडी हुआ, देन एक हाथ में बिछेन लेके एंड दूसरा हाथ अपने स्टमक के ऊपर रख के वो रूम से निकला। लंजा हर चीज़ चेक करना चाहता था क्योंकि इस कंडीशन के बारे में लंजा को भूलने की आदत हो चुकी थी एंड वेंचिंग ने कहा था कि ये नॉर्मल है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल लंजा को सब कुछ ठीक से देखना होगा ताकि कोई भी कमी ना रह जाए। लंजा ने देखा कि जीन्स भी आ गए हैं एंड जीन्स के साथ साथ जिन ग्वांगशान भी आया है विदाउट एनी प्रायर वार्निंग। जब वो लगा था सिर्फ जिन जिशुआन आएगा क्योंकि लंजा की शादी में सिर्फ जिन जिशुआन ही आया था, बट एनीवेज लंजा एंसेस्ट्रल हॉल में चला गया सारे अरेंजमेंट्स देखने के लिए एंड तभी वहाँ पर जिन ग्वांगशान आया लंजा को फॉलो करते हुए। बट लंजा ने जिन ग्वांगशान को पास करते हुए आगे चला गया बट उसने उसे रोक दिया। जिन ग्वांगशान ने कहा, सेकंड यंग मास्टर लान, मैंने आपके कंडीशन के बारे में सुना था बट अभी आपको देखकर मुझे बिलीव हुआ। ये बोलते हुए जिन ग्वांगशान लंजा की बेली की तरफ देख रहा था। लंजा एक स्टेप पीछे चला गया, उसने बिचन को टाइटली पकड़ लिया। उसने कहा, सिग लीडर जिन,
ये बोल के लंजा फिर से आगे जाने लगा, बट उसने फिर से उसे रोक दिया लंजा के रास्ते को ब्लॉक करते हुए। जिन गुआंगशा ने स्मिक करते हुए कहा, किसको पता था किसे के नियमस्टर लान के अंदर ये कैपेबिलिटीज भी होगा, अगर मुझे पहले पता होता देन। ये बोलते हुए जिन गुआंगशा अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा था लंजा के बेले को टच करने के लिए, तभी एक डेंजरस वॉइस ने कहा, देन क्या? एंड ये वॉइस विंग का एंग्री वॉइस था जो पूरे हॉल में गूंज रहा था। उसने जिन गुआंगशन के हाथ को पकड़ा एंड उसके ही पीछे ट्विस्ट कर दिया। विंग ने कहा, अगर तुम्हें पता होता देन क्या? तभी जिन सोल्जर्स ने उन लोगों की तरफ तलवार उठा लिया। तभी वहां पर जिन डिशुआन एंड जेबू चुनाए वो दोनों लंजा के पास आकर खड़े हो गए। जिन डिशुआन ने बाकी सोल्जर्स से कहा तलवार नीचे करने के लिए। दिन जिन डिशुआन ने विंग की तरफ देखा और कहा, वी वुशियान मेरे बाबा को छोड़ दो। विंग ने चिल्लाते हुए कहा, अपने बाबा को कहो ठीक से बिहेव करने के लिए। ये बोलते हुए विंग का आइस रेड हो रहा था। लंजा ने कहा, विंग उसे छोड़ दो। विंग ने कहा, अगर तुमने मेरे हस्बैंड की तरफ फिर से अपने डिस्गस्टिंग आइस से देखा ना दिन, तुम्हारे साथ जो होगा वो वेन रोहन से भी डेंजरस होगा। ये बोलकर विंग ने जिन गुआंगशन को जिन डिशन की तरफ थ्रो कर दिया। जिन गुआंगशन ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक सिलेंडर को थ्रेट करने का? तभी वहां पर जियान याली आई। याली ने पूछा, क्या हो रहा है वांग जी आशियान? विंग ने चिल्लाते हुए कहा, यह थ्रेट नहीं है, ये वार्निंग है, फिर से ट्राई करो एंड देखो क्या होता है। ये बोलते हुए विंग आगे बढ़ने लगा जिन गुआंगशन की तरफ, पर लंजा ने उसे रोक दिया। लंजा ने कहा, विंग रुक जाओ। लंजा देख पा रहा था कि आसपास ज़िफुल एनर्जी घूम रहा है। तभी जिया ने याली उन दोनों को लेकर हॉल से बाहर चली गई। लंजा ने कहा, याली जी मैं माफ़ी चाहता हूँ। याली ने कहा, नहीं वांग जी, आई एम श्योर आशियान ने जो कुछ भी किया है उसके पीछे कोई रीज़न होगा। अब वो दोनों विंग के रूम पे थे, एक साथ बैठे हुए थे एंड विंग बिल्कुल साइलेंट था। कुछ टाइम बाद याली वहाँ से चली गई बाकी प्रिपरेशंस देखने। लंजा अपने हस्बैंड के पास ही था। विंग का हाथ लंजा के वेस्ट में रैप किया हुआ था, उसका फेस लंजा के स्टमक के ऊपर था एंड वो एक डीप ब्रेथ ले रहा था अपने आप को शांत करने के लिए। एंड लंजा विंग के हेड पे अपने हाथ को फहरा रहा था। लंजा ने पूछा, विंग वेन रोहन के साथ क्या हुआ था? ये सुन के विंग बिल्कुल क्वाइट हो गया। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, क्या हमें आज इसके बारे में बात करना होगा? लंजा ने कहा, देन राइट टाइम कब आएगा विंग? ये सुनकर विंग ने लंजा की तरफ देखा, देन उसने लंजा के लिप्स में किस किया। लंजा ने कहा, वी, बट विंग लंजा को कुछ कहने नहीं दिया, वो लंजा को एग्रेसिवली किस करने लगा। वो दोनों कंटिन्यू किस करने लगे। विंग ने कहा, ओ माय गॉड, तुम मेरे फेवरेट कलर के ड्रेस में कितना ब्यूटीफुल दिखते हो, कितना हॉट दिखते हो, ऊपर से तुम मेरे चाइल्ड को भी कैरी कर रहे हो। लंजा तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें ऐसे घूमते हुए देखने के बाद मेरे लिए अपने को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें हर टाइम टच करूं। ये बोलते हुए विंग कंटिन्यू लंजा को किस करने लगा। लंजा जानता है कि विंग को उसका ड्रेसअप अच्छा लगता है एंड लंजा को भी अच्छा लगता है हमेशा अपने साथ विंग के कलर को भी मैच करते हुए पहनना। उसे फील होता है कि उसके हस्बैंड का एक पार्ट हमेशा उसके साथ ही रहता है एंड विंग भी हमेशा लंजा के फरी रिबन को अपने हाथ में रैप करके रखता है। तो विंग के बात सुन के लंजा ब्लश करने लगा, बट वो जानता है कि विंग उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा, विंग मुझे कंप्लीट सच बताओ। विंग फाइनली अलग हुआ। उसने अपने हेड को लंजा के शोल्डर पे रखा एंड एक डीप शाई किया और कहा, मेरे अंदर गोल्डन कोर नहीं था एंड लंजा मुझे तभी तुम्हारे कंडीशन के बारे में पता चला था एंड मैं श्योर नहीं था कि तुम्हारा सेक्ट मुझे तुमसे शादी करने के लिए अलाउ करेगा भी या नहीं, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि वेन रोहन को मैं ही मारूंगा ताकि किसी को भी मेरे स्ट्रेंथ के ऊपर डाउट ना हो एंड हम शादी कर सके। ये सुनकर लंजा कुछ टाइम के लिए चुप हो गया। दिल लंजा ने कहा, मैंने तुम्हारे स्ट्रेंथ के ऊपर कभी भी डाउट नहीं किया था विंग, और ना ही मैं कभी करूंगा। ये बोलते हुए लंजा विंग के फेस को स्ट्रोक करने लगा। विंग ने कहा, मैं जानता हूँ एंड आई लव यू। ये बोलने के बाद विंग कुछ टाइम के लिए चुप था। देन विंग ने कहा, तो मैंने वेन रोहन के पैपेट्स को उसी तरह भी टर्न कर दिया एंड अपना कंप्लीट स्ट्रेंथ यूज़ किया, देन मैंने उसके बॉडी का टुकड़ा कर दिया। ये सुनते लंजा के पूरे बॉडी में गुज़म्स आ गए। अब लंजा को समझ आ रहा था कि वार के बाद विंग इतने दिनों तक बेहोश क्यों था, क्योंकि विंग ने अपना कंप्लीट एनर्जी यूज़ किया था। लंजा ने कहा, विंग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम तो द
तभी विंग ने कहा, बट मैं जिंदा हूँ लंजा, मैं तुम्हारे सामने हूँ, है ना? लंजा ने नोट किया। तो विंग ने लंजा को फिर से किस किया एंड स्माइल किया। विंग ने कहा, अभी ऐसा ओवर हो चुका है लंजा, है ना? लंजा ने कहा, प्रॉमिस करो कि तुम ऐसा फिर से कभी भी नहीं करोगे, तुम्हें किसी के सामने अपने को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हुए लंजा प्लीट किया। तो विंग ने कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, अब चलो इससे पहले हम कोई रिचुअल मिस कर दे, अदरवाइज जियांगचंग मुझे मार डालेगा। अब 9 महीने हो चुका था। वेन चिंग लंजा के फर्स्ट डॉक्टर डॉक्टर चिन को लोटस पिया में लेकर आई है। ये वही डॉक्टर है जिन्होंने लंजा को इन्फॉर्म किया था कि लंजा प्रेग्नेंट है। चिंग ने कहा है कि लंजा के ट्रीटमेंट के लिए वेन चिंग को डॉक्टर चिन की हेल्प की ज़रूरत होगी। एंड यहाँ पर आते डॉक्टर चिन ने लंजा को कहा था कि जब बेबी का आने का टाइम होगा तब लंजा ऑटोमेटिक समझ जाएगा। एंड लंजा को लग रहा है कि टाइम आ गया है, क्योंकि लंजा को एक्सट्रीमली पेन हो रहा था एंड अभी मीट नाइट था। उसके पास उसका हस्बैंड गहरी नींद में था, तो लंजा विंग को शेक कर रहा था। उसने शेक करते हुए कहा, विंग वेन चिंग को बुलाओ। एंड विंग इमीडिएटली रूम से निकल गया। वो दौड़ते हुए वेन चिंग की रूम की तरफ जाने लगा एंड जाते जाते वो सबको जगाते हुए जाने लगा। वो फर्स्ट डॉक्टर चिन के रूम पे गया क्योंकि उनका रूम सामने पड़ता है। एंड देन वो जियांगचंग एंड वेन चिंग के रूम पे गया उन्हें बुलाने के लिए। इस तरफ लंजा उसका बेबी उसे किक कर रहा था एंड लंजा पेन से चिल्ला रहा था। विंग दौड़ के लंजा के पास आया एंड वो लंजा को उठाकर वेन चिंग के चेंबर पे लेकर गया। देन वेन चिंग ने विंग को उसके चेंबर से निकाल दिया एंड दरवाज़ा बंद कर दिया। अब चेंबर के अंदर वेन चिंग, डॉक्टर चिन एंड वेन निंग है। इनफैक्ट वेन चिंग ने यानली को भी अलाउ नहीं किया। विंग ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? ये देख के जियांगचंग ने कहा, यही एग्जैक्टली वो रीज़न है, तुम अंदर जाके चिल्लाओगे एंड उन्हें बेकार में स्ट्रेस दोगे, उन्हें सर्जरी करने के लिए शांत रहने की ज़रूरत है। वुशियान विंग बहुत ही स्ट्रेस्ड हो रहा था, इनफैक्ट यानली मुझे शांत नहीं कर पा रही थी, उसके अंदर रिसर्व एनर्जी चिल्ला रहा था, उसका बॉडी लंजा की तरफ जाने के लिए तड़प रहा था, पर उसने अपने को कंट्रोल किया, पर वो बैठ नहीं पा रहा था, वो बहुत ही स्ट्रेस्ड हो रहा था। तो उसने अपने ईयर को चेंबर के दरवाजे पे प्रेस किया अंदर की आवाज़ सुनने के लिए, पर उसे कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था। इनफैक्ट चेंबर की खिड़कियाँ भी बंद थी। जियांगचंग ने पूछा, वी वुशियान, तुम्हें लांगलांग के बटरफ्लाई मैसेंजर यूज़ करना आता है ना? विंग ने नोट किया एंड फिर से अपने ईयर को दरवाजे पे प्रेस किया। ये देख के जियांगचंग ने कहा, ये करना बंद करो, कम ऑन, जेवोजुन को बटरफ्लाई मैसेज भेजो, उन्हें भी यहाँ पर आना चाहिए। विंग ने कहा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। ये देख के जियांगचंग विंग के पास गया, उसे खींचते हुए दरवाजे से दूर लेकर गया और उसे शेक करते हुए कहने लगा, वी वुशियान, तुम वैसे भी यहाँ पर किसी को भी हेल्प नहीं कर रहे, लांस को इन्फॉर्म करो, लांगवान जी को उनकी ज़रूरत होगी। वो लोग ये बात कर ही रहे थे तभी उन्हें एक बेबी का रोने का आवाज़ सुनाई दिया। जो जियांग डिसिपल्स दरवाजे के बाहर सो रहे थे वो ये आवाज़ सुनते ही जाग गए। विंग के आंखों से आंसू निकलने लगा। जियांगचंग ने भी विंग को छोड़ दिया एंड तभी चेंबर का दरवाज़ा ओपन हुआ एंड दरवाजे से डॉक्टर चीन आई। उनके बाहों में एक छोटा सा बेबी था जो कपड़ों से रैप किया हुआ था, जो रो रहा था। डॉक्टर चीन ने कहा, कंग्रेचुलेशंस यंग मास्टर वी, आपका बेटा हुआ है। ये सुनते ही विंग घुटनों पे गिर गया। अपने बेबी के साथ साथ वो खुद भी रोने लगा। डॉक्टर चीन ने कहा, लेडी जियांग, हमें इसे क्लीन करना होगा। वेन चिंग के नाम सुनते ही विंग ने कहा, लंजा, लंजा कैसा है? ये बोलकर विंग उठा खड़ा हुआ। डॉक्टर चीन ने स्माइल करते हुए कहा, वो ठीक है, इनफैक्ट बहुत अच्छे हैं, वो जल्दी हील हो जाएंगे एंड जल्द उन्हें होश भी आ जाएगा। विंग ने पूछा, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? डॉक्टर चीन ने कहा, जब तक जियांग फुरन आपको ना बुलाए तब तक नहीं। विंग ने टीयर्स को वाइप किया और कहा, ठीक है, देर में आपको यौन को क्लीन करने में हेल्प करता हूँ। इस तरह रूम के अंदर लंजा हाफ जगा हुआ था, उसका विजन बहुत ही डिजी था, वो कुछ फील नहीं कर पा रहा था बट वो वॉइसेस सुन पा रहा था। वो कुछ बोलने के लिए कोशिश कर रहा था तब वो उसे कुछ सुनाई दिया। कोई कह रहा था, ये सर्जरी बहुत ही बड़ा सक्सेस है, उसका गोल्डन कोर अभी तक चाइल्ड को फिट करा रहा था बट अब वो उसकी रिकवरी में फोकस कर पाएगा एंड वो जल्दी रिकवर कर जाएगा। तभी एक और वॉइस में कहा, प्रीवियसली जो मेल कल्टिवेटर्स थे उनका सर्जरी
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट ये सर्जरी उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था एंड आपका चाइल्ड भी बहुत ही हेल्दी है। तब एक फैमिलियर वॉइस ने कहा, ये रोना बंद क्यों नहीं कर रहा, इसने किसी नर्स से फीड भी नहीं किया। एंड लंजा ये वॉइस पहचान गया, ये विंग का वॉइस था। तब एक और वॉइस ने कहा, हम कुछ और टाइम के लिए वेट करते हैं, अगर लांगवांग जी को होश नहीं आया तो हम फिर से उसे फीड करने की कोशिश करेंगे, क्या तुम उसे होल्ड करना चाहते हो? लंजा को फील हो रहा था कि वो बेहोश होते जा रहा है। तब उसे अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दिया, उसका बेबी रो रहा था, उसका बेबी हंगरी है। तभी लंजा ने कहा, विंग। एंड लंजा के वॉइस सुनते ही विंग लंजा के पास आ गया। उसने कहा, लंजा लंजा तुम उठ गए हो? लंजा ने विंग की तरफ देखा, वो अपने चाइल्ड को ढूंढ रहा था। तभी डॉक्टर चीन उसके पास आए, उनके हाथ में वो चाइल्ड था। लंजा हिलने की कोशिश कर रहा था तो डॉक्टर चीन ने कहा, अभी हिलो मत, तुम्हारा स्टिचेस अभी फ्रेश है, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे को होल्ड करने में हेल्प करता हूँ। लंजा ने पूछा, बेटा? विंग ने कहा, हाँ लंजा, मैंने तुमसे कहा था ना हमारा बेटा ही होगा, हमारा आयुवन सीजुई। लंजा देख पा रहा था कि विंग का कुछ आंसू निकल रहा है। लंजा ने स्माइल करते हुए कहा, आयुवन। दिन डॉक्टर चीन ने लंजा के हाथों में उसके बेबी को दिया एंड लंजा उसे फीड कराने लगा। दिन डॉक्टर चीन ने एंड वेंचिन उन दोनों को प्राइवेसी दिया एंड वो लोग रूम से निकल गए दरवाज़ा बंद करके। अब रूम के अंदर सिर्फ लंजा, विंग एंड उनका बेबी था आयुवन, जिसे लंजा फीड करा रहा था। रूम बिल्कुल साइलेंट था। लंजा एंड विंग अपने बेटे को देखते हुए स्माइल कर रहे थे, उनका बेटा, उनका मिराकल। विंग ने रोते हुए कहा, लंजा थैंक यू सो मच मुझे वो सब कुछ देने के लिए जो मेरे लिए सिर्फ ड्रीम था। देन विंग लंजा के हाथों को किस करते हुए कहने लगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमारे बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, आयुवन लान युवन। ये बोलकर विंग ने आयुवन के फॉरहेड पे किस किया। तभी लंजा ने कहा, वे युवन। एंड ये सुनते ही विंग रोने लगा लंजा के नेक में अपने फेस को रख के। वे युवन मिडनाइट को पैदा हुआ है तो ऑफकोर्स इसके वजह से वो हर रात जगा रहता है, रोता रहता है एंड उसका पेरेंट्स एक भी दिन सो नहीं पाते। सिर्फ उसके पेरेंट्स ही नहीं, पूरा लोटस पियर आयुवन ने सबका घूम उड़ा दिया है। बट स्टिल सब लोग आयुवन से बहुत प्यार करते हैं, सब लोग उसके लिए बहुत केयर करते हैं, सब लोग पूरा दिन सिर्फ उसको केयर करने में ही स्पेंड करते हैं। अब ऑलमोस्ट एक महीने हो चुका है, विंग तो डेज एंड नाइट्स काउंट कर रहा है क्योंकि वो अपने बेटे के 100 डे सेलिब्रेशन बहुत ही बड़ी तरीके से अरेंज करेगा, उसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड है। जिस दिन आयुवन पैदा हुआ है उसके नेक्स्ट डे ही वो लोग एक बड़ा सा रूम में शिफ्ट हो गए हैं जिसका डेकोरेशन खुद यालनी ने किया है। आयुवन सबके लिए फेवरेट चाइल्ड है, उसका बिग आइज, स्माइलिंग फेस, चबी चीक्स, उसका स्वीट वॉइस सबका फेवरेट है। एंड जब भी कोई उसे होल्ड करता है वो सिर्फ स्माइल करता है। एंड ऑफकोर्स हमारे फेवरेट अंकल्स के बीच में लड़ाई भी शुरू हो चुका है, हमारा फेवरेट अंकल्स लान सीचेन एंड जियांग चैंग। आयुवन के बर्थ के नेक्स्ट डे जब लंजा, विंग एंड आयुवन उनके न्यू रूम पे शिफ्ट होने के लिए गए थे, रूम पे जाते ही उन लोगों ने देखा कि रूम के अंदर बेड के दो तरफ दो अंकल्स बैठे हुए हैं, एक तरफ लान सीचेन एंड दूसरी तरफ जियांग चैंग। वो दोनों एक दूसरे की तरफ ग्लेयर कर रहे थे। जब से आयुवन पैदा हुआ है जेवो चुन ऑलरेडी 5 बार लोटस पियर आ चुके हैं एंड अंकिल वो तो जब से पहली बार आए हैं तब से वो गए ही नहीं, वो तब से लोटस पियर में ही है। लंजा अपने फैमिली को एंजॉय तो कर रहा है पर उसे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके अंकल, उसके भाई और उसके ब्रदर इन लॉ जियांग चैंग के बीच में कंपटीशन शुरू हो गया है कि आयुवन किससे ज़्यादा प्यार करता है। इनफैक्ट उन लोगों ने बेचारे वेनिंग को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया है एंड वेनिंग के पास अपने ब्रदर इन लॉ जियांग चैंग को सपोर्ट करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। तो आज फिर से जेवो चुन लोटस पियर में आए थे। जैसे वो लंजा के रूम पे आए लंजा ने कहा, भाई आप यहाँ पर फिर से? ये बोलकर लंजा ने शाई किया। जेवो चुन ने लंजा के पास करके आयुवन के पास चला गया, आयुवन जो कि सो रहा था। जेवो चुन ने कहा, मैं आयुवन के लिए न्यू कपड़े लेकर आया हूँ, ये फैब्रिक्स कितने लाइट है देखो एंड कलर्स भी कितने अच्छे हैं, ये मेरे नेफ्यू के लिए परफेक्ट है। ये बोलते हुए जेवो चुन पीसफुली सोते हुए अपने नेफ्यू को अपने बाहों में ले लिया। आयुवन के हाथ में जेवो चुन का दिया हुआ उसका खिलौना था जो आयुवन का फेवरेट है एंड उसके लेकर जेवो चुन बहुत ही प्राउड फील करते हैं, स्पेशली जियांग चैंग के सामने। जने कहा,
आयोन को और कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। लंजे ये बोल तो रहा था, पर लंजे को पता है कि जेउचिन इस बारे में बह रहे हैं, वो उसकी ये सब बातें नहीं सुनेंगे। बट आयोन के पास लिटरली हर एक कपड़ों का एंड हर एक टॉयस का दो सेट्स ऑलरेडी हैं। जेउचिन ने कहा, ये बिगर साइजेस का है, जब आयोन ग्रो करेगा तब ये काम आएगा। ये बोलते हुए जेउचिन लंजे के पास आकर बैठ गए। देन जेउचिन ने पूछा, क्या मैं तुम दोनों को वॉक पे ले चलूं? ये बोलते हुए जेउचिन ने टीस किया। लंजे ने कहा, भाई अब आपको अंकिल को गुसु वापस लेकर जाना चाहिए। ये सुन के जेउचिन ने टीस करते हुए कहा, वेल रोडस पे में शिफ्ट करना तुम्हारा डिसीजन था, तुम्हारा चॉइस था, तो इसे मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बोलने के बाद जेउचिन आयोन को लेकर रूम से चले गए। एंड तभी वहाँ पर रूविंग आया। रूविंग ने कहा, देखा क्यूट चाइल्ड होने का फ़ायदा, तुम इसके लिए ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ता। लंजे ने विस्पर करते हुए कहा, उसे इतनी होल्ड होने की हैबिट नहीं करना चाहिए, यहाँ लीजिए एंड वेंटिंग उसे अकेले सोने भी नहीं देते, वो कभी भी खुद से नहीं सोता एंड मैं उसे तभी होल्ड कर पाता हूँ जब उसे फिट कराना होता है एंड फिट कराने के बाद ही कोई ना कोई उसे लेकर चला जाता है। ये सुन के विंग हंसने लगा। उसने कहा, लंजा। ये बोलकर विंग लंजे के पास आया एंड उसे चीयर अप करते हुए कहा, हमारे पास वो होल नाइट रहता है राइट, सो डोंट वरी। तभी लंजे ने विंग के हाथ को पकड़ा एंड उसे अपने करीब खींचा एंड देन वो विंग के लिप्स में किस करने लगा, सिर्फ एक बार नहीं बार बार एंड देन डीप किस। ये देख के विंग ने कहा, हे लंजा इजी इजी, हमें अभी भी एक महीने वेट करना होगा जब तक वेंचिंग क्लियरली बता ना दे कि तुम अभी ठीक हो। ये बोलते हुए विंग अलग होने लगा तो लंजे ने कहा, विंग प्लीज। विंग ने कहा, नो माई लव, मैं ये रिस्क नहीं लूँगा। ये देख के लंजे ने मुंह बनाया एंड विंग को लाइटली पुश कर दिया। बट विंग ने लंजे को हक कर लिया। विंग ने कहा, तुम पहले से ही बहुत ही अच्छे स्मेल करते थे एंड अब सैंडलवुड एंड बेबी स्मेल मिक्स हो गया है और भी ब्यूटीफुल स्मेल कर रहे हो तुम। अब रात को डिनर के बाद जियांग जंग आयोन को लेकर लंजे के पास लेकर आया एंड देन लंजे ने उसे फिट कराया एंड देन सरप्राइजिंगली फिट करने के बाद ही आयोन सो गया। लंजे भी डीप स्लीप में चला गया। बट विंग वो सिर्फ लंजे के पास बैठकर उसे ही देख रहा था। उन दोनों का बेटा लंजे के टेस्ट में था, उसे रैप किया हुआ था एंड स्पेशली लंजे के हेयर को पकड़ के रखा था एंड लंजे भी अपने हाथों को युवान के ऊपर रैप किए हुए सो रहा था। ये देख के विंग ने स्माइल किया। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल मैन उससे प्यार करता है, वो उससे मैरिड है, सिर्फ मैरिड ही नहीं उनका एक चाइल्ड भी है। विंग ने उन दोनों के कवर्स को एडजस्ट किया एंड देन वो इमिडिएटली एक ब्रश एंड पेपर लेकर आया एंड देन वो अपने हस्बैंड को एंड अपने चाइल्ड को ड्रॉ करने लगा। जैसे उसका स्केच फिनिश हुआ उसे आयोन का आवाज़ सुनाई दिया। आयोन उठ चुका था तो विंग ने धीरे धीरे आयोन को अपने बाहों में लिया ताकि लंजा उठ ना जाए। देन उसने कहा, युवान आर अपने पापा को डिस्टर्ब मत करो ठीक है। विंग को देखते ही आयोन ने एक बिग स्माइल किया एंड वो बहुत एक्साइटेड हो गया। वो एक्साइटमेंट में अपने हाथ पैर को हिलाने लगा। ये देख के विंग को बहुत अच्छा लगा। ये देख के लंजा ने स्लिपीली कहा, आयुवान अपने बाबा को किसी और से ज़्यादा रिकॉग्नाइज करता है। ये सुन के विंग ने कहा, बिल्कुल। ये बोलते हुए विंग अपने चाइल्ड को ही देख रहा था। लंजा ने कहा, वो पैदा होने के पहले से ही तुम्हारे प्रेजेंस को समझ जाता था एंड रिएक्ट करता था। ये बोलते हुए लंजा थोड़ा सा शिफ्ट हुआ एंड विंग समझ गया कि लंजा शिफ्ट क्यों हुआ है। तो विंग लंजा के पास जाकर लेट गया कवर के अंदर। आयुवान उन दोनों के बीच में था। आयुवान ने अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पेरेंट्स को पकड़ लिया, उनके फिंगर्स को रैप कर लिया। ये देख के विंग ने कहा, आई थिंक आयुवान हमेशा अपने पेरेंट्स को साथ में देखना चाहता है। लंजा ने कहा, एंड ऐसा ही होगा। एंड तभी आयुवान ने स्माइल किया एंड बेबी आवाज़ किया एंड इस तरीके से हमारा ये स्वीट फैन फिक्शन ख़त्म हो गया। हेलो एवरीवन, आई नो आज का पार्ट बहुत बड़ा हो गया है आई थिंक, बट ये लास्ट पार्ट था तो इसलिए मैंने आज इसे पूरा शेयर कर दिया। तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट एंड कैसा लगा आपको ये फैन फिक्शन, ज़रूर बताना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।